Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss the question answers of 9th Standard Science, chapter number 4, Measurements of Matter. So, in this chapter, yet so far, you have learned about the laws of chemical combination, that how chemicals combine with each other. Then you have learned about atoms, shape, mass, and Wilson. Then we have learned about molecular mass and the concept of mole and also radicals. So first of all, I will show you some important points related to the chapter. Those students who want to make their own notes can prepare their notes from this outlines. Also, ek recall section ka question hai jo aapke textbook mein page number 46 pe, to uska answer yahan provided hai. तो आप इसको भी देख करके लिख सकते हैं. बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स आपके होमवर्क देते हैं आपको, या बोलते हैं इसको फाइंड आउट करके आने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी डाउन इसको कर सकते हैं किड्स. ऐसे ही रिकॉल सेक्शन 48 पेज नंबर 48 एंड रिमेंबर सेक्शन पेज नंबर 49 के भी आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, सो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम हियर. स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड आपके 9th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आवर प्लेलिस्ट एंड चेक फॉर योर डिजायर्ड वीडियो. वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. In this question answer section, we have covered all the questions of your textbook as well as workbook and also some extra questions. So, आपको हर एक आंसर यहाँ पे मिल जाएगा students. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है. And whichever question answer you are searching for, that you will easily find over here. Also, most importantly, देखिए यहाँ से question answer start हो गया. Filling the blanks, मैं आपको zoom in करके नहीं दिखा रहा हूँ kids. Right hand side और left hand side पे दिया, and at the end ऑल्सो दी आंसर्स आर बी गिवन, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना विदाउट एनी कन्फ्यूजन. स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगे कि आपको वर्ड्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने यूट्यूब के सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन को ऑटो से हटा करके और अपने डिज़ायर्ड रेजोल्यूशन को मोस्टली ट्राई करिए कि आपके पास जो भी सबसे हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन हो, 1080p या फिर 720p आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा. कोई भी वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स आपसे मिस नहीं होगा, वीडियो आपको ब्लरी नहीं दिखाई देगा. बिकॉज जब हम वीडियोस को अपलोड करते हैं किड्स, तो वीडियोस हम पूरे HD में अपलोड करते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी में. बट डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क क्वालिटी उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है ये कि वॉट एवर आंसर्स बीन आर गिवन ओवर हियर, दोज आंसर्स आर गिवन इन पैराग्राफ. आपको पैराग्राफ में ना लिखकर यू हैव टू राइट दिस आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको उस पॉइंट्स में लिखने का ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो आप. सो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप लर्न करिए. अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस के बारे में बताया है, केमिकल कैसे कंबाइन होता है, एटम क्या होता है, उसका रेडिकल क्या होता है, एवरीथिंग इज़ गिवन ओवर हियर. ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का. सो एक बार इसको अच्छे से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिए, लर्न कर लीजिए. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर वीडियो में नहीं मिलता है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. हम आपको कमेंट सेक्शन में या फिर उस वीडियोस के रिलेटेड, मींस वो क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियोस बना करके आपकी हेल्प करेंगे एंड आपको क्वेश्चन आंसर हम प्रोवाइड करेंगे इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. ऑल्सो आपके केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल जो होता है, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए. अपने स्टडी टेबल पर अभी से लगा करके रख लीजिए, बिकॉज टेंथ में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है. एंड आफ्टर इवन आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड, इफ़ यू सेलेक्ट साइंस स्ट्रीम, तो दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो विदाउट एनी फेलियर यू कैन जस्ट टेक आउट अ प्रिंट आउट एंड यू कैन स्टिक ऑन योर स्टडी टेबल और ऑन द डोर और ऑन द वॉल, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे.
मैं वीडियोस को स्लाइड कर दे जाता हूँ किड्स, आप स्क्रीन को पॉज कर करके अपने आंसर्स को नोट डाउन करते जाइए। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम द एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स इनटू टू टाइप्स, व्हाइल डूइंग दिस यूज अ क्रिटॉन इन अदर दैन द क्रिटिकल क्राइटेरिया यूज्ड अबव। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे लिखते जाना है। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वहाँ पे राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग दिया है, तो आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें सिंबल्स भी दिए होते हैं, तो आप वहाँ से स्टडी करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, गिव साइंटिफिक रीजंस, आपके एग्जाम में ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट्स, आपको इसमें रीजन बताना होता है, साइंटिफिक रीजन विदाउट एनी लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द एग्जाम्पल्स, सो यहाँ पर केमिकल वाले केमिकल कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके आपको इक्वेशंस को दिखाने हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं, सेम यहाँ पे मैग्नीशियम का बताया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का। फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फिफ्थ क्वेश्चन है अल्मोनियम क्लोराइड का। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेवेंथ क्वेश्चन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एथ क्वेश्चन इज सल्फ्यूरिक एसिड। मॉलिक्यूल उसमें कौन से होते हैं, देन उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बताने हैं, एटॉमिक मास बताना है, उसका नंबर ऑफ एटम्स बताना है मॉलिक्यूल में, वापस एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम बताना है आपको, और मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है, एंड नीचे उसके आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स। नाइन्थ है नाइट्रिक एसिड का। 10th is for sodium hydroxide. 12th question is sodium sulfate. 12th question is potassium carbonate. 13th question carbon dioxide. 14th question aluminium phosphate. 16th question sodium bicarbonate. 11 is solve the following examples. So यहाँ पे word problems दिए हैं, आपको ये word problems solve करना है, जैसे कि 12 grams of carbon contains one molecule of carbon atom. What is the mass of one atom of carbon? So, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो टेबल को रिफर करिए, इन फॉर्मूलाज को याद रखिए, काफ़ी सिंपल और इजी फॉर्मूला है किड्स, बस आपको इनके यूसेज के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करना है, यू विल इजीली फाइंड द आंसर।
also at the end of the video there are some examples for practice जिसको आप खुद से solve कर सकते हैं अपने better practice के लिए. So I would recommend you कि आप इसको ज़रूर एक बार practice करिए, जिससे कि आपके word problems और जो भी numericals हैं, जो भी आपके problems हैं, आप उसको अच्छे से solve करना सीख जाओ. Because in your exams there will be no fixed questions to come. अगर आप ऐसे सोचते हो कि जो टेक्स्ट बुक में है वैसे ही questions आ सकते हैं, तो questions तो वैसे ही आएंगे no doubt, लेकिन उसके numbers वगैरह जो होंगे वो पूरी तरीके से change करके आएगा kids. तो वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तो आप एक बार उसकी फॉर्मूलाज़ को याद करिए, और फॉर्मूलाज़ को याद करने के बाद में आप इसमें इसको अप्लाई करने ज़रूर सीखिए, तो आपको इसके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं. थोड़ा समय हम वेट करेंगे कि वीडियो क्लियर हो जाए. अच्छो किड, अगर आपको अभी तक अपना डिज़ायर्ड आंसर नहीं मिला होगा तो प्लीज़ आप बिल्कुल ना भूलिए कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी, इन अ वेरी लेस टाइम पॉसिबल. ऑल्सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें उसके ग्रोथ में. वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले. बिकॉज यूट्यूब के कुछ अपडेट्स की वजह से, सिस्टम के कुछ अपडेट्स की वजह से हमारे चैनल का जो रीच है वो काफ़ी कम हो गया है. सारे स्टूडेंट्स तक हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो आप लोग थोड़ा सा चैनल के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करेंगे उनके बुक्स कम्प्लीट करवाने में, क्वेश्चन आंसर्स कम्प्लीट करवाने में, एज़ वेल एज़ आप हमारी भी हेल्प करेंगे जिससे हम भी ग्रो कर सकें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के आपकी हेल्प कर सकें, ताकि आप सारे बुक्स को टाइम पर कंप्लीट कर सकें. ऑल्सो चैनल पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करके रखे हैं, तो एक बार उसे भी जाकर ज़रूर देखिए, हो सके सेम क्वेश्चन पेपर आपको काम आ जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.